अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहला है इसमें पॉलीथीन, बहुत बार आ चुका है। इस पॉलीथीन को टू टाइप्स हमने क्लासिफाई किया है, लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन एक तो ये है, और दूसरा कौन सा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यानी कि इसको कह सकते हैं LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और ये क्या है, ये है HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इनके नाम से ही पता लग रहा है, इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, देखो ये बात तो कॉमन है कि इथीन होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि एन टाइम्स। कैसे करते हैं, मैकेनिज्म तो आप समझ ही चुके, और लिखने में कैसे लिखेंगे, CH2 बॉन्ड को तोड़ दो, शॉर्टकट तो यही था, और दोनों साइड से जोड़ दो। होना इसमें भी यही है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, इसका पॉलीमराइजेशन करो, यानी कि ये एन टाइम्स, यहाँ तो क्या हो जाएगा, CH2 दोनों साइड से जोड़ दो एन टाइम्स। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि जो लो डेंसिटी का पॉलीथीन है, इसमें आपने प्रेशर ज़्यादा रखना है, यानी कि इसमें जो आपका प्रेशर है ये आप रखेंगे 1000 एटमॉस्फेयर से लेके और 2000 एटमॉस्फेयर तक। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर कितना रखना है हमने, 1000 से 2000, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, और इसमें टेम्परेचर आप रखेंगे 350 से 570 केल्विन। जबकि हाई डेंसिटी वाला जो है, इसमें आपने क्या करना है, टेम्परेचर भी कम रहेगा और प्रेशर तो बहुत ही कम रहेगा, इसमें प्रेशर रहेगा 6 to 7 एटमॉस्फेयर ओनली, 6 से लेकर 7 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर रहेगा, और टेम्परेचर रहेगा 333 से 343 केल्विन। ये डिफरेंस एक तो दोनों में, डेंसिटी वाला तो है ही, इन यानी कि इनकी कंडीशंस अलग अलग हैं। ये जो लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन है, जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये आप करवाएंगे या तो डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर परोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि डाई ऑक्सीजन हो आपके पास या फिर किसकी प्रेजेंस में होगा, परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट इसी की बात कर लेते हैं अभी, डाई ऑक्सीजन और परोक्साइड, मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, ज़्यादातर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा। और क्या क्या बात है इसकी, ये हार्ड होता है, यानी कि टफ, हार्ड तो नहीं, टफ कहो, टफ होता है, और टफ होने के बावजूद ये फ्लेक्सिबल होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता, और डेंसिटी इसकी क्या है, लो डेंसिटी होती है। अब इस तरफ आ जाओ, ये है इसकी खास बात, इसकी खास बात क्या है, ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, इसका नाम आपने याद रखना है, 1 मार्क वाले में बहुत बार इसको पूछ लेते हैं। इसके कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। दो साइंटिस्ट थे, एक तो था जी नाटा, इम्पीरिया से था, ये इम्पीरिया एक देश है, और कार्ल जिगलर, ये था जर्मनी से। इन्होंने क्या किया, एक कैटलिस्ट तैयार किया जिसमें इन्होंने मेटल्स को भी लिया, मेटल्स की सहायता से, एक तो एल्यूमिनियम लिया, एक टाइटेनियम लिया। तो एल्यूमिनियम के साथ तो इथाइल ग्रुप लगाया इन्होंने, और टाइटेनियम के साथ क्लोरीन ग्रुप लगाया, यानी कि क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो,
और ये बहुत सी जगह पॉलीमराइजेशन में या दूसरी जगह भी इस कैटलिस्ट का यूज़ होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट था कि इनको फिर बाद में नोबल प्राइज़ भी इसके लिए मिला, 1963 में दे गोट नोबल प्राइज़। ये है क्या, दो चीज़ें इसके अंदर हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, एक तो है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और दूसरा है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ कितनी होती है, ये पता होगा आपको, पहले आया है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 होती है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 होता है, पता होगा ये तो। एल्यूमिनियम का बहुत आसान सी बात है, यानी कि 283, तो वैलेंसी कितनी है, 3, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ हमने 3 लगाने हैं। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो 1C2H5, 2C2H5 और 3C2H5, इसलिए क्या लिखा है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। सिंपल कैसे लिखेंगे इसको, C2H5 3 times Al, ये है एक तो, और प्लस कौन सा है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनता है। प्रेशर बहुत कम रखना है आपने, कितना रखोगे, 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और 333 से 343 तक क्या रखना आपने, टेम्परेचर रखना है। अब इसकी और एक आधी बात, ये भी हार्ड होता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसके अलावा डेंसिटी इसकी हाई है और इसमें क्लोज पैकिंग भी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हार्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए ज़्यादा क्लोजली पैक होता है। तो एक तो ये है इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स में, कौन सा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसके अलावा, ये था पहला, दूसरा है टेफ्लोन और तीसरा है PAN, जो मेन अपने यहाँ दिए हुए हैं, तो उनमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, यही है, यहीं से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस टॉपिक में। बाकी तो उनकी तो रिएक्शंस हैं एडिशन की, यानी कि मोनोमर यूनिट, वो आपको पता है, नहीं पता है तो लास्ट वाली टेबल में तो है ही कंक्लूजन में इस चैप्टर में। यहाँ फिर एक बार बात कर लेते हैं, ए ये था बी, दूसरा कौन सा है, टेफ्लोन। टेफ्लोन का दूसरा नाम क्या है, PTFE, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, इथाइलिन या इथीन। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, याद करो, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्रा फ्लोरो दो कार्बन है, इथ डबल बॉन्ड है इन, टेट्रा फ्लोरो इथीन या इथाइलिन। इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यानी कि एक बॉन्ड को तोड़ो और दोनों साइड से जोड़ दो एन टाइम्स, ये एन यहाँ लिखो ये, तो ये क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। इसमें एक पॉइंट और दिया हो, ये आपको याद रखना है, अगर 300 सेल्सियस से ज़्यादा आप टेम्परेचर कर देते हो, यानी कि इसका टेम्परेचर अगर आपने कर दिया अबोव 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। एक और एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा आपने यहाँ दिया हुआ है, PAN। PAN क्या है, पोली एक्राइलोनाइट्राइल, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। क्या होती है ये, विनाइल, यानी कि जो एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, अल्कीन है या अल्काडाइन है या उनके डेरिवेटिव हैं, तो डेरिवेटिव है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था इथीन, एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ क्या लगा दो, CN, ये होगा एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर दो तो क्या बनेगा, PAN बनेगा। कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड से इसको यहाँ से जोड़ दो, तो CH2 CH ऐसे जोड़ो, ये क्या है, CN, और ये यूनिट क्या है, N टाइम्स CN, ये जुड़ा हुआ है।
तो ये क्या है PAN। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। एक आदि और इनके बीच में जो थ्योरी की बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं। देखो तीन टाइप है ना एडिशन, तो एडिशन अपना ख़त्म हो गया है, उसके मेथड भी और उसके एग्जांपल्स भी कौन कौन से हैं। तो एडिशन के बाद नेक्स्ट अपना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या जिसको क्या कह रहे हैं हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें हमने चार चीज़ें पढ़नी है मेन। एक तो है पॉलीअमाइड्स, दूसरे हैं पॉलीएस्टर्स, तीसरा है बेकेलाइट यानी के फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड वाला, और चौथा है मेलेमाइन या मेलामिन, आप जो भी उसको कहें। तो कंडेंसेशन की बात हम कर रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉलीअमाइड्स। अब ये आ चुके हैं इस चैप्टर में, रिपीट बहुत हो रही हैं सारी बातें, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, बार बार रिपीट होती हैं। तो पहला है अपना नाइलोन 6-6, टेम्परेचर 550 केल्विन के अराउंड रखना है आपने, इसमें भी नाइलोन 6 में भी। तो इसकी दो यूनिट्स थी, पहले आ चुकी हैं, अब डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी थी, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन ये जो है, और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या था, COOH CH2 फोर टाइम्स COOH। नाइलोन 6-6 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन्स हैं, इसमें भी 6 कार्बन्स हैं। यहाँ से H2O को आप रिमूव करोगे, बॉन्ड बनेगा CONH, और इसी बॉन्ड का नाम क्या है, अमाइड बॉन्ड। तो इसीलिए इस फाइबर का नाम भी क्या होगा, पॉलीअमाइड फाइबर्स। दूसरा है नाइलोन 6, एक नाइलोन ये होगा 6-6, एक है नाइलोन 6। इसकी जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम क्या है, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम इसकी मोनोमर यूनिट है। कैप्रोलेक्टम का फॉर्मूला क्या है, CH2 है 5 टाइम्स, एक तरफ है CO, एक तरफ है NH, ये जो है 6 किस लिए, क्योंकि देखो इसमें भी 6 कार्बन्स हैं, 5 तो ये हो गए, 6 ये हो गया। तो कैसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 एक बार, CH2 दो बार, CH2 तीन बार, चार बार, पांच बार, और फिर क्या है CO और NH, ये जोड़ दो यहाँ से। तो ये क्या है, ये कैप्रोलेक्टम है। इस कैप्रोलेक्टम का पॉलीमराइजेशन करेंगे हम, ये CO किसी NH के साथ जुड़ेगा, NH किसी CO के साथ, तो ऐसे जब हम करेंगे तो क्या आएगा, नाइलोन 6 आएगा। मेन तो ये दो दिए हुए हैं बुक में, इसके अलावा भी नाइलोन की टू टाइप्स फर्दर आपने और भी पढ़ी हैं, याद दिला देता हूँ आपको। नाइलोन 6-10, 6-10 में क्या करना है, हेक्सामिथाइल वाला ये तो एज इट इज रहेगा, 10 कार्बन वाला क्या हो जाता है, सिबेसिक एसिड, और सिबेसिक एसिड का फार्मूला क्या है, COOH तो हमें चाहिएगा दोनों तरफ, CH2 10 कार्बन करने हैं तो 8 टाइम्स कर दो यहाँ, C10 कार्बन चाहिए तो 8 यहाँ कर दो, 2 कार्बन ये हो जाएंगे। अब एक और नाइलोन है, इसके लास्ट में जाके है नाइलोन 2, नाइलोन 6, एक ये भी आया था, अब यही बात कर लेते हैं। नाइलोन 2 नाइलोन 6 में क्या है, दो यूनिट्स हैं, एक तो ग्लाइसिन है और दूसरा है कैप्रोइक एसिड, यानी कि एक तो ये है, ये आ चुके हैं पहले NH2 CH2 COH, एक तो ये है ग्लाइसिन, और दूसरी कौन सी है, कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड क्या है, NH2 CH2 है 5 टाइम्स और COOH, ये दोनों मोनोमर यूनिट्स जब आपस में मिलेंगी, NH2 COOH के साथ मिलेगा, आगे ऐड होते चले जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, नाइलोन 2 नाइलोन 6, ये है पॉलीअमाइड्स फाइबर। अब पॉलीएस्टर, एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जब दो आपस में मिलते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। तो कंडेंसेशन में सेकंड है अपना पॉलीएस्टर्स,
पॉलिएस्टर्स में जैसे एग्जांपल अपना बहुत फेमस था डेक्रोन या टेरिलीन। तो डेक्रोन में क्या होता है, कौन सी यूनिट थी इसकी, याद कीजिए, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, कई बार आ चुकी है। एक तो था टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड कैसे था, ये बेंजीन रिंग दोनों तरफ क्या है, यानी कि पैरा पोजिशन पे है। अगर इसका आयुपैक नाम हम लिखें तो आयुपैक नेम क्या होगा इसका, यहां से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं तो 1, 2, 3, 4, यानी कि बेंजीन के ऊपर 1 और 4 डाइओइक एसिड। ये ओइक एसिड है, ये ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो 1 और 4 के ऊपर है, तो बेंजीन 1, 4 डाइओइक एसिड, या ये है इसका नाम। कुछ नेम्स ऐसे हैं ऑर्गेनिक में जिनके कॉमन नेम्स ज्यादा प्रचलित हैं बजाय की आयुपैक नेम के, ये उन्हीं में से है। तो टेरिथैलिक एसिड, और दूसरा कौन सा था, इथाइलीन ग्लाइकोल, CH2 के साथ यहां भी OH, यहां भी OH, दो OH ग्रुप ग्लाइकोल, क्योंकि ग्लाइकोल का मतलब ही होता है दो OH ग्रुप में, तो CH2OH, ये क्या है, डेक्रोन या टेरिलीन। जो कॉटन वगैरह है उनमें ये मिक्स किया जाता है कपड़े को और अच्छा बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि केवल तीसरा पार्ट है अपना बेकेलाइट, तो उसमें केवल मोनोमर यूनिट याद करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोवोलेक जो पेंट्स में यूज होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो थर्ड अपने पास हम बात कर रहे हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट का एक और नाम है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, और ये नाम ही हमें सब कुछ बता देता है कि इसकी मोनोमर यूनिट्स कौन कौन सी होंगी। एक तो है फिनोल और दूसरी कौन सी है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनोल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनोल है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है या मिथेनल। इसको शायद आपको कोई एतराज नहीं होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2O। जब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो होता क्या है, देखो ये हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। ये फिनोल कैसे बना हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH लगाया हुआ है, तो हाइड्रोजन हटाया तो क्या बच गया, C6H5 और फिर OH लगाया, तो ये है फिनोल का फार्मूला। तो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसका हटाएंगे और इसके साथ लगाएंगे। अगर ऐसा हो तो क्या हो, देखो ये तो है OH, इसका हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और इसके साथ लगाया तो क्या बन गया, CH2OH। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में तो क्या होगा, ये रिएक्शन होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। अब उस मैकेनिज्म में हम डिटेल में नहीं जाना चाहते कौन सा हाइड्रोजन कहाँ गया, ये सीधा आप याद रखें कि एक हाइड्रोजन जुड़ के और क्या होगा, CH2OH होगा यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है, क्या यही बनेगा या और कुछ भी बन सकता है, तो ये अकेला नहीं बनता, ऐसे ऐसे और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। यानी कि अब इसी रिएक्शन को अगर मैं कंप्लीट करके लिखूं, ये तो एक स्टेप मैंने समझाया, तो देखो वो ऐसे हो जाएगी, ये है फिनोल, इसके साथ क्या मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या बन जाता है इससे, एक तो ये बन गया, यहां होगा CH2OH, प्लस और प्रोडक्ट बनते हैं, एक क्या बनेगा, यहां तो है ही, इसके साथ साथ यहां पैरा पोजिशन पे भी CH2OH हो जाएगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा OH, यहां ये दो तो है ही जो हो चुके हैं, एक और हो जाएगा यहां CH2OH, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक नाम लिया था मैंने जो इंपॉर्टेंट भी है, नोवोलेक, जो पेंट्स वगैरह में यूज होता है, उसका तो जिक्र आया ही नहीं, वो कहां गया, चलो उसकी बात कर लेते हैं।
ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है, अगर ऐसे ही आपस में मिलते जाएं तो क्या हो? देखो, ये है ओ एच, यहां क्या है सी एच टू ओ एच, ऐसा ही ये दूसरा है सेम, ये है ओ एच, ये क्या है सी एच टू ओ एच, गौर फरमाइएगा यहां। तो क्या होगा, इसका एच और ओ एच ये यहां से रिमूव हो जाते हैं और ये डायरेक्ट सी एच टू के थ्रू इससे जुड़ जाता है। अब इसी तरह आगे भी होगा कोई ना कोई, भाई ऐसा ही और भी तो होगा ओ एच और सी एच टू ओ एच, तो यहां का एच और ये ओ एच ये चले जाएंगे, एच टू रिमूव हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या आएगा अपने पास, ये आएगा ओ एच। अब ये ओ एच और एच एच टू तो चला गया यहां से, क्या बचा हुआ है सी एच टू, आगे क्या था अपने पास ओ एच, तो अब सी एच टू डायरेक्ट यहां से जुड़ गया, इसी तरह यहां से भी चला गया तो ये सी एच टू के थ्रू यहां जुड़ गया, यानी कि प्लस मत करो अब ओ एच, और ये भी क्या हो गया सी एच टू। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर का नाम है नोवोलैक, और ये नोवोलैक कहाँ यूज होता है, ये पेंट्स में यूज होता है, सी एच टू सी एच टू इस तरह, ये जो है ये है नोवोलैक, ये वो स्ट्रक्चर है। अब आगे क्या होगा, ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, इसमें फिर ये नोवोलैक तो बन गया, इसके बाद इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ये रिएक्शन और भी आगे बढ़ के चलती है, यानी कि फिर सी एच टू नीचे भी आ जाएगा, भाई ये सी एच टू किसी तरह घुमा लो आप, सी एच टू यहाँ लेके आओगे तो ओ एच क्या हो जाएगा, ओ एच कहीं नीचे की तरफ सरक जाएगा, तो इस तरह से आगे जुड़ता चला जाएगा, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। इसीलिए ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, कौन सा बेकेलाइट, क्योंकि ये जो क्रॉस लिंकिंग है जब हम गर्म करेंगे तो ये उलझ जाएगी आपस में, उलझ जाएगी तो फिर इंटरलिंकिंग हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, तो फिर इसको आप दोबारा डिजायर्ड शेप नहीं दे सकते। तो ये नोवोलैक वाला जो पोर्शन है ये आपने ध्यान रखना, इसमें इसका जो लास्ट है वो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ नहीं है, जो हम टेबल में पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं वही है मेलामिन या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं फिनोल नहीं, ये तो ऊपर वाले की थी, मेलामिन एक तो ये मोनोमर यूनिट है और दूसरी है फॉर्मल्डिहाइड। मेलामिन क्या है जानते हैं आप, C3H6N6। स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन, यहाँ पे है कार्बन, ये फिर क्या है ये नाइट्रोजन, यहाँ पे भी ये क्या है नाइट्रोजन, ये फिर है कार्बन, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है NH2, यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है NH2, यहाँ भी क्या है इस कार्बन से NH2, और अल्टरनेट क्या है इसमें डबल बॉन्ड, ये है मेलामिन। इसके साथ HCHO या CH2O ये जोड़ दो तो इससे जो आएगा कंडेंसेशन होगी, यहाँ भी रिमूवल होगा H2O का, और फिर क्या होगा इससे पॉलीमर बनेगा मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ये कौन सा था, ये था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मेथड। इसके बाद है को पॉलीमराइजेशन का मेथड। ओके, अब थर्ड है को पॉलीमराइजेशन। तो कोपलाइम आसान है, को पॉलीमराइजेशन आ चुका है पहले, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें मोनोमर यूनिट्स एक से ज़्यादा टाइप की हैं। एग्जाम्पल है ब्यूना एस, जो अपनी बुक में एक्सक्लूसिवली यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी में से ही कर रहे हैं इस यूनिट को, एग्जैक्ट उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आपकी पॉलीमर यूनिट है दो, कौन सी है, एक तो है 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरी कौन सी है स्टाइरीन, इनमें पॉलीमराइजेशन होगा आपस में। 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है, 4 कार्बन्स हैं, 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, ये हो गया CH2
CH CH CH2। और स्टायरीन क्या होता है? विनाइल ग्रुप है, इसके साथ क्या लगा रखा है? बेंजीन रिंग। तो ये बॉन्ड तोड़ के जोड़ दो, ये पहले हम कर चुके हैं, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो ये क्या होगा? ये है कोपोलीमराइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में अब अपने पास बचती है इसमें रबर के बारे में। तो नेचुरल रबड़ है सबसे पहले, और ये नेचुरल रबड़ किसका पॉलीमर है? ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है। इसमें बस याद रखने वाली एक बात है कि ये जो सिस फॉर्म होती है ब्यूटाडाइन की, उसमें पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि नेचुरल रबड़। तो रबर का ट्री होता है और उसके बार्क में जब हम छेद करते हैं तो वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, जिसको लेटेक्स बोलते हैं, उससे नेचुरल रबड़ बनाई जाती है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए फिर इसका वल्केनाइजेशन किया जाता है, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। 1893 में गुडियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने नेचुरल रबड़ में सल्फर मिलाया था, और ये एक सडन डिस्कवरी थी। वो कोई डिस्कवरी कर रहा था और सल्फर और रबड़ जब वो चल रहा था तो उससे हाथ से गिर गई और स्टोव के ऊपर जा पड़ी, जिससे नेचुरल रबड़ सल्फर मिल गया आपस में। तो उसने देखा, कुछ दिन बाद देखा कि ये तो बहुत अच्छी रबड़ बन गई, तो फिर उसने इस प्रोसेस की खोज कर दी कि भाई नेचुरल रबड़ में अगर सल्फर मिला दें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं, और इस प्रोसेस का नाम रखा गया वल्केनाइजेशन, जिसे उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती हैं। फिलहाल हम बात करें नेचुरल रबड़ की, तो नेचुरल रबड़ क्या है? इट इज़ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ये पॉलीमर है, और आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन इज 2-methyl butadiene। आइसोप्रीन क्या है? 2-methyl butadiene है, और सिस फॉर्म में ये आइसोप्रीन एग्जिस्ट करेगा इसमें और मिलेगा। सिस और ट्रांस क्या है? ये आइसोमेरिज्म में आप प्लस वन में पढ़ चुके हैं, प्लस टू में भी आता है। तो ये ऐसी आइसोमेरिज्म है जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में है, और जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो वो सिस होती है, और अपोजिट साइड में होते हैं तो वो ट्रांस होती है। देखो इसका फार्मूला लिख के देखते हैं। पहले तो ब्यूटाडाइन, ये है ब्यूटाडाइन, टू के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ये है CH2, 2, 1, 3, 1, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। लेकिन हम बात कौन सी कर रहे हैं? देखो इसमें तो सिस ट्रांस कैसे पता लगाएंगे? अब जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो आप क्या करोगे बताओ? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो ये बॉन्ड तो टूटेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब इसकी सिस फॉर्म है वो बना के देखते हैं। तो सिस फॉर्म में क्या होगा? जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में आना चाहिए। एसेंशियल कंडीशन क्या है? ये कार्बन डबली बॉन्डेड होने चाहिए, तब सिस और ट्रांस होगी, ये पहली कंडीशन है। अब ये तो हो गई, अब इसके साथ ग्रुप देखो कौन से हैं। एक CH2 है, एक CH3 है, तो एक है CH3 और एक ग्रुप है CH2 इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ देखो कौन से हैं, एक तो ये है हाइड्रोजन और एक क्या है? CH2। अब देखो सिस फॉर्म कौन सी होगी, अब दूसरा CH3 तो इस तरफ है ही नहीं, तो सेम ग्रुप कौन से हैं? CH2 और यहाँ भी CH2, ये दो एक जैसे हैं, तो ये सेम साइड में होना चाहिए। अगर आप CH2 को यहाँ कर दोगे, कौन कौन से दो हैं यहाँ पे? CH2 है और H है। अगर आप CH2 को ऊपर कर दोगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर मैं CH2 को यहाँ करूँगा तो ये अपोजिट साइड में हो गए, ये ऊपर ही है नीचे, तो ट्रांसफॉर्म नहीं लेनी हमने, बस यही बात इसमें ख्याल रखनी है, सिस फॉर्म लेनी, यानी कि CH2 आप कहाँ लेंगे? नीचे। और जब ये बॉन्ड आपने तोड़ रखा है, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, लास्ट वाले बॉन्ड तोड़ रखे हैं, तो ऐसा यानी कि ये फ्री रेडिकल है, ये यहाँ से फ्री रेडिकल है। अब ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा हुआ है, इसमें भी क्या होगा? CH3, ये क्या है? CH2 फ्री रेडिकल, और ये क्या है? H और CH2 फ्री रेडिकल। अब आपको पता ही है ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब ऐसे ही आगे को जाएगा तो ये बॉन्ड बनता चला जाएगा।
तो ये सिस ब्यूटाडाइन है, उसका पॉलीमर होता है नेचुरल रबर। अब एक रबर ब्यूना एस भी है, ब्यूना एन भी है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। एक है नियोप्रीन, जो इलास्टोमर्स है, इलास्टोमर्स की कैटेगरी में था नियोप्रीन। ये किसका पॉलीमर है? ये क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। और क्लोरोप्रीन क्या है? ये है 2-chlorobutadiene। ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसकी जगह क्लोरीन लगा देना, क्या बन जाएगा? 2-chlorobutadiene। अब इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट की तरफ हम पहुंच गए हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स की बात कर ली हमने, लास्ट में एक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसमें जो लास्ट लेक्चर है अपना कंक्लूजन, उस वाले में भी इसका फार्मूला रॉन्ग है, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर कर लें आप। कुछ पॉलीमर्स, वैसे तो ज़्यादातर पॉलीमर्स ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड नहीं होते, उनसे वो प्रभावित नहीं होते, उनसे टूटते नहीं हैं। लेकिन कुछ पॉलीमर्स ऐसे भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टूट जाएंगे, जिनको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। और इस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है PHBV। अब इसको शांति से समझ लें आप, PHBV फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एब्रिविएशन क्या है? पोली बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी लेना हमने, ब्यूटायरेट, ये इसी में है, को बीटा हाइड्रोक्सी, ये पूरा एक ही नाम है, ये देखो नाम नहीं है, रेल की रेल है पूरी, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये एक ही नाम है सारा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? PHBV। और ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो इसकी मोनोमरी यूनिट कौन सी है? एक तो है ब्यूटेनोइक एसिड और एक है पेंटेनोइक एसिड, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड और एक है पेंटेनोइक एसिड। अब ये पूरा नाम नहीं है इसका, एक तो ब्यूटेनोइक एसिड है और एक क्या है? पेंटेनोइक एसिड है। ये क्या है? ये है 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड, और ये भी क्या है? ये भी है 3-hydroxy, हाइड्रोक्सी वही है, पेंटेनोइक एसिड। तो 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड और 3-hydroxy पेंटेनोइक एसिड, ये जो दोनों हैं, इन मोनोमर्स को अगर मिला दें तो क्या बनता है? इनसे बनता है पॉलीमर्स। ब्यूटेनोइक एसिड लिखो अब, यानी कि 4 कार्बन है, इसी पे COOH है। 1, 2 यहाँ से गिनती करेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, 1, 2, 3 यहाँ पे क्या है? OH, बाकी हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। पेंटेनोइक एसिड क्या है? 5 कार्बन, यानी कि ये 4 और 5, 1, 2, 3 यहाँ पे OH ग्रुप है। तो इन दोनों को अगर हम जब मिलाते हैं, ये मोनोमर यूनिट्स हैं, तो क्या बनता है? ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनता है, PHBV। तो जो जो इसमें मेन पॉइंट्स थे, सारी बातें लगभग हमने कवर कर ली हैं।